महिला सशक्तिकरण संघ के फाउंडर चंद्र कीर्ति भंते द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से महिला समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला समूह बनाकर छोटे स्तर से शुरुआत कर होममेड प्रोडक्ट जैसे पापड़, सूखी मिर्च, अचार, बड़ी, मिक्सचर आदि खाने के सामानों को महिलाएं साफ सुंदर ढंग से घर पर ही निर्माण किया करती हैं और अलग अलग पैकेटों में पैक कर तैयार भी करती है। फिर महिला सशक्तिकरण संघ की महिलाओं द्वारा बनाया गया ये सामान सी मार्ट व बाजारों में बेचा जाता है, जिससे इनको इस सामान का इनकम प्राप्त होती है, जिससे ये महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण संघ की संगठन सचिव और जिला संगठन सचिव ने बताया कि अब घरेलू महिलाएं हमारे साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और आर्थिक रूप से मजबूत बनते हुए परिवार को संभाल रही है। हम लोग जो हैं सभी महिला सशक्तिकरण संघ जो हैं, जिसके फाउंडर हमारे भंते जी, चंद्र कीर्ति भंते जी हैं, और उन्होंने हमको आइडिया दिया कि हमको महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो महिलाओं को हम सशक्त किस टाइप में बनाएंगे? सशक्त बनाने का मतलब है, सबसे मेन बात है उनका आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आर्थिक रूप से महिला सशक्त होंगी तो अपने घर, परिवार और एक समाज और एक देश को अच्छे से सशक्त करेंगी। इसलिए हम छोटे स्तर पे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको छोटे स्तर पे हम उनको सबसे पहले सशक्त बनाने के लिए होममेड प्रोडक्ट जो महिलाएं हमेशा घरों में बनाती हैं, उन चीज़ों को बना के हम मार्केट में उनको सेल करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तो शुरुआती रूप में महिलाओं के साथ में महिलाएं जो हैं वो पापड़ जो हैं सभी प्रकार के, जैसे आलू के, चावल आटे के, गेहूं आटे के, बेसन के, और दही मिर्ची है, और इसके अलावा मिक्सचर बनाना है, और बहुत सी जो हमारे जैसे जैसे सेलिंग होती जाएगी वैसे वैसे हम वैरायटीज और आइटम लोग को बढ़ाए जाएंगे, ताकि हमारी महिलाएं जो हैं उनको मार्केट में सेलिंग करके आर्थिक रूप से खुद सेल्फ डिपेंड बने और आर्थिक रूप से सक्षम हो। ये हमारा मेन कार्य का उद्देश्य है। यहाँ पे अभी तो शुरुआत में हम लोग चावल का पापड़ है, बेसन का पापड़ है, सूजी का पापड़ है, दही मिर्ची है, और भी आगे मतलब और भी बनाने का सोचेंगे कि और क्या क्या, मतलब जिस तरह जैसे सेलिंग होगा और लोगों की क्या क्या चॉइस है उस हिसाब से हम लोग अपना प्रोडक्ट तैयार करें। अभी तक के हमारे पास तो हम लोग जो है मेन जो महिला लोग है 8 मतलब 9 कार्यकर्ता है हम लोग के पास में अभी, जो इस होम प्रोडक्ट को जो तैयार कर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको बहुत खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से महिलाओं को, जो घर बैठी महिलाओं को उसको रोजगार मिल रहा है, कभी किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने खुद पे अपने डिफेंड रहेगी, कभी मतलब उनको झुक के, पहली चीज़ तो उनको आत्मनिर्भर हमको बनाना है, उनका स्वाभिमान करना, तैयार करना स्वाभिमान से, और सामाजिक रूप से सामाजिक स्तर पर उनको बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आर्थिक स्थिति जो इनकी जब मजबूत होगी तब ये सारे कार्य हो सकते हैं। हमको बहुत खुशी लग रही है कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से ये सब काम हो रहा है, और यहाँ के जो महिला सशक्तिकरण संघ के जो संस्थापक है डॉक्टर चंद्र कीर्ति भंते जी है, और यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है प्रज्ञा कांडे मैडम जी है, वो काफ़ी उनका बहुत अच्छा से सहयोग हमको मिल रहा है, और उम्मीद करते कि आगे हमसे मिलते रहेंगे, और जितनी जो बहनें लोग हैं यहाँ पे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और उनको समाज में अच्छा नाम हो और अच्छा एक मतलब उनकी मिसाल दें। पहले बात तो मुझे ये प्रोजेक्ट बनाकर बहुत खुशी हो रहा है, और हम लोग बहुत बहनें जो हैं बहुत खुशी हैं इसको बनाने में, और हम लोग शुद्ध घर में जैसे शुद्ध तरीके से बनाते हैं वैसे ही हम लोग शुद्ध से बना रहे हैं, ना इसमें कोई मिलावट है ना कुछ है, अपना हम लोग एकदम अच्छे से बना रहे हैं। अभी हम लोग बनाए हैं सूजी के पापड़, चावल के पापड़, दही मिर्ची, बेसन के पापड़ वगैरह, बहुत चीज़ें अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी 10 तारीख के बाद ये सेल होगा। बहरहाल महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से प्रबल बनाने के लिए किया जा रहा प्रयास काफ़ी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।